नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 इंडिया टीवी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। बहराइच, बाढ़ के पानी से बहराइच के 60 गांव गिरे, जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटा। बहराइच में बीते 8 अक्टूबर से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते तराई के तमाम जिले एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तराई के जिलों में बहने वाली घाघरा, सरयू, राप्ती व शारदा समेत तमाम सहायक नदियां नेपाली पानी के दबाव के कारण उफान पर बह रही हैं। इसी कड़ी में बहराइच जिले की 3 तहसीलों के 60 से ज़्यादा गांव भारी बारिश व अतिवृष्टि के कारण बाढ़ के चपेट में आ गए हैं। आलम यह है कि बढ़ते जलस्तर से जहां नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वहीं तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाने से आवागमन बाधित हो गया है। इसी कड़ी में लखीमपुर बहराइच हाईवे पर बना गाय घाट पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मौके पर धंस गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र मौके पर लोगों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। मौके का जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ दौरा कर हालात का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हर संभव राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन की टीम को मौके पर लगाया गया है। बहराइच के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने बताया कि मौजूदा समय में आई अचानक बाढ़ में बहराइच जनपद की 3 तहसीलें नानपारा, मिहीपुरवा व महसी पिछले 8 अक्टूबर से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित है। डीएम ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर शिवपुर, बलहा व मिहीपुरवा में बाढ़ का पानी पहुँचा है, जिससे 3 तहसीलों के तकरीबन 60 गाँव बाढ़ की चपेट में, जहां राहत व बचाव का कार्य जारी है। इस दौरान जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ ग्रस्त इलाके में भोजन इत्यादि पहुंचाने की व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ ही मवेशियों के चारों का भी मौके पर प्रबंध किया गया है। वहीं बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविरों में खाने पीने के लिए सारा प्रबंध किया गया है। कितने गाँव घिरे हुए हैं देखिए, कल 9-8 तारीख से दृष्टि होने के कारण जनपद बहराइच की 3 तहसील विशेष रूप से नानपारा, मिहीपुरवा और मैसी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो सिंहपुर, बलहा और मिहीपुर, इसके लगभग 60 के आसपास गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। तत्काल ही सभी अधिकारियों के समन्वय से राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे और उसका एक मुख्य वजह यह भी है कि आ चुकी नानपारा लखीमपुर खीरी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राय भोजा के पास पुलिया के धस जाने से वो पूरा यातायात उस रोड पर बंद है। इसलिए पूरा राहत इत्यादि पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग से वहां पर जाया जा रहा है। वो मार्ग भी बीच बीच में क्षतिग्रस्त था, उसको हम लोगों ने ठीक करके चलने योग्य बनाया छोटे वाहनों के, और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कई स्थानों पर अलग अलग गाँव में और विशेष रूप से नानपारा तहसील में अलग अलग स्थानों पर भोजन बनाया जा रहा है, भोजन को वितरित कराया जा रहा है। जो मकान गिरे हैं उनको क्षति आकलित करके उनको तत्काल राहत पहुंचाई जा रही है, और मुख्य उद्देश्य जब भी कभी बाढ़ आती है तो पहले होता है हमें जनहानि को बचाना, पशु हानि को बचाना और बीमारी से लोगों को बचा करना। तो इस दृष्टि से हम लोगों ने तीनों विषयों पर अच्छा कार्य किया है और कहीं भी बीमारी के कारण या बाढ़ में ताप पलटने या अन्य किसी दुर्घटना के कारण कोई भी क्षति मानव की नहीं हुई है। और इस बार चूंकि बकरियां भी मैंने देखा कि वहां काफ़ी परेशान थी, तो उनके लिए भी हम लोगों ने इस बार अतिरिक्त रूप से ये पत्ते जो खाती हैं वो बरगद के और उन सबके वो सारी व्यवस्था भी कराई है। और मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार भ्रमणशील हैं। शुरुआती दौर में ही हमने SSB और NDRF और PSC के लोगों को बुलाकर राहत बचाव कार्य को लगाया है, और मैं सभी जनप्रतिनिधिगण का और विशेष रूप से प्रेस के लोगों का भी आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने जहाँ भी सूचना मिली हमको अवगत कराया और हम